नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको बताएंगे कि एजेंट वाइज आप किस तरह से सॉफ्टवेयर में कमीशन की सेटिंग कर सकते हो। कमीशन सेटिंग का मतलब क्या है कि आपकी शॉप पे अलग अलग चार पांच एजेंट हैं, किसी को आप 15% देते हो, 16% देते हो, 20%, 22%, सभी को अलग अलग देते हो। आपको याद नहीं रहता है किसको कितना देना है, तो वो सॉफ्टवेयर में उसके रिगार्डिंग क्या सिस्टम लगाया है। जब आप किसी को अपने एजेंट को पीस वाइज कमीशन देते हो, या सेल की परसेंटेज अकॉर्डिंग देते हो, या नेट सेल के अकॉर्डिंग देते हो, उसके अकॉर्डिंग कमीशन देते हो, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, और आपने उसकी रिपोर्ट देखनी है, सेल किसका एजेंट ने कितनी की है, परचेज किस एजेंट से हुई है, कौन सा एजेंट कितनी रिसिप्ट लेके आया है, स्टॉक वाइज चेक करना है, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, कंपनी वाइज, सारी बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स लगी हुई, एजेंट वाइज बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट लग चुकी हैं। आपको आज उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू होने से पहले कृपया हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहुंच पाएं। बहुत सारे भाई वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ यार, हमारी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करा करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। सो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये हमारा वन प्लस सॉफ्टवेयर है जी, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जिन भाइयों के पास हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरह से डाउनलोड होगा, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनको थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं। हमारे जो सॉफ्टवेयर में, इसमें आपका काउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री के रिलेटेड कोई भी काम है, GST ERP रेडी सॉफ्टवेयर है पूरा, आपका सारा शॉप का सारा काम सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज हो जाता है। सो पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर, आप हमें एक बार जरूर अपना शॉप का एक बार डाटा इसमें मेंटेन करें। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ पे एक बार न्यू कंपनी बना लेते हैं, जैसे राधे कलेक्शन, राधे कलेक्शन करके हमने बना लिया। एंटर एंटर करके हमने जो भी इसका सिटी स्टेट है वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करके जो आपका मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है आपने। एंटर करके कंपनी क्रिएट कर लेनी है। एंटर एंटर करके हम यहाँ पे जो है हमारा जो आपकी फर्म थी आपने बनाई थी राधे कलेक्शन करके आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे वन यूज़र नेम वन पासवर्ड से आपका जो है सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपने ऑप्शन में जाना है जी। ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपने रिक्वायर एजेंट नेम इन सेल्स और रिक्वायर एजेंट नेम इन क्यूकर सेफ्ट इसको अप्लाई करना है। जो भाई हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनमें भी सेम सेटिंग करनी है। यही सेम सेटिंग आपने ऑन कर लेनी है रिक्वायर एजेंट वाली। उसके बाद क्या है जी, आपने सबसे पहले हमने मास्टर में जाके अकाउंट में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाके हमने जो ब्रोकर है हमारा एजेंट है कुछ ही बोल देते हैं उसको हमने उसका अकाउंट बनाना है। जैसे रोहन नाम का हमारा ब्रोकर है, एंटर करोगे जी ब्रोकर का अकाउंट बन जाएगा। जब आप देखेंगे ब्रोकर का एंटर एंटर मार के सॉफ्टवेयर चलाना है आपने, एंटर एंटर करके चलोगे देखो आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको एक बहुत ही बढ़िया कमीशन का कॉलम बन के आ जाएगा। कितना कमीशन आपने उसको देना है, सपोज 15% आपने पर पीस का देना है, परसेंटेज देना है, कुछ भी देना है, तो यहाँ पे आपने 15 डाल देना है। 15 पे पीस देना है, 15 पे पीस डाल दोगे, 15% देना है तो 15 डाल दोगे। एक ही चीज़ होती है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी सेटिंग लगी हुई है, जिस अकॉर्डिंग आपने लगाना होगा यहाँ पे वो लग जाएगा। इसको हम कर देते हैं जी सेव। एंटर करके एक हमारा कमीशन और है जी, जैसे मोहन नाम का है हमारा, एंटर एंटर करके उसके भी हम आगे आ जाएंगे जी। इसको हम कर देंगे जैसे 25% इसको हम कमीशन देते हैं, 25% पर पीस कुछ भी आप लगा सकते हो। उसके बाद सिंपल हम एक सेल की एंट्री करते हैं जी। एंटर करके हम एक क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं। एंटर करके जी हमारे एक विनय नाम का एक कस्टमर है उसका एक अकाउंट बना लेते हैं। एंटर करके वहीं पे आपने ही कस्टमर का अकाउंट बना देना है। एंटर करके हम आगे आ जाएंगे। आइटम भी नहीं बनी हुई है, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है किस तरह से सॉफ्टवेयर चलाना है उसके रिगार्डिंग चैनल पे फुल वीडियो बनी हुई है। आई बटन भी, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हो आप किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर चलाना है। 150 रुपीज़ हमने इसका सेल प्राइस डाल के सेव कर देते हैं जी। एक क्वांटिटी मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ से, देखेंगे एंटर एंटर करेंगे यहाँ पर आपको एंटर करेंगे आपको पूछेगा कि कौन सा एजेंट आपका जो है सेल कर रहा है, मोहन कर रहा है, रोहन कर रहा है, मोहन कर रहा है जी। मोहन को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, एक पीस उसने सेल कर दिया, इसको हम सेव कर देंगे जी। और देखिए वहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि एजेंट जो है हमारा मोहन है। ओके नो। एक कस्टमर हम और बना लेते हैं, जैसे रवि नाम का एक कस्टमर हम बना लेते हैं, यस करके एंटर एंटर करके इसको हम सेव कर देते हैं। रवि नाम का एक कस्टमर बना लिया, इसको रोहन ने सील किया, देखो वहाँ पे रोहन आ जाएगा। यहाँ पे हम आइटम भी एक नई बना लेते हैं,
ऑयल, एंटर करेंगे जी। एक रोहन ने ऑयल दे दिया, एक उसने उसको शॉप दे दी, एंटर करके शॉप दे दी सॉरी। इसको सेव करके बिल का फॉर्मेट वगैरह सारा बहुत बढ़िया बन जाता है, आप चेक कर सकते हो। अभी हमने इनका कमीशन देना है इनको, आप मंथ का भी दे सकते हो, डे का भी देख सकते हो, जिस अकॉर्डिंग आपने कमीशन है उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। रिपोर्ट्स में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट जाके यहाँ पे जी हमारी रिपोर्ट लगी हुई है, एजेंट कमीशन रिपोर्ट। कौन सा है, मोहन को कमीशन देना है, एंटर करके ऑटोमेटिकली 25% सेल का आ जाएगा 37.50 रुपये। अगर आपने पीस का देना है, मतलब पीस दिए थे कितने, तो एक एक पीस दिया था हमने तो 25 रुपये पीस का आ जाएगा, ठीक है जी। पीस का देना है पीस का सेलेक्ट कर सकते हो, अगर सेल की वैल्यू का देना है सेल की वैल्यू का सिलेक्ट कर लोगे। जिस अकॉर्डिंग आपने देना है इसको एक्सपेंड करके ओके कर दोगे तो ये जो रिपोर्ट आपकी एक्सपेंडेड हो जाएगी। 37.50 रुपये हो गया जी। आपने यहाँ पे पोस्ट कमीशन टू जर्नल पे ये रेड सा दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर देना है और ये एंट्री को आपने सेव कर देना है, प्रिंट करके इसका प्रिंट निकल जाएगा, यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। सेव हो जाएगा, ओके जी। आपका इसका बहुत ही बढ़िया प्रिंट भी निकल जाएगा अगर आपने प्रिंट निकालना है तो, ठीक है। ये प्रिंट होता है, प्रिंट निकालने का वैसे जरूरत नहीं है, प्रिंट निकालना है। अभी कई कई भाई यहीं पे सॉफ्टवेयर भाइयों को चलाना आता है, भाई बोलते सर यहाँ पे हमने एंटर एंटर करके ओके कर दिया, 37 रुपये कर दिया, पर मोहन को तो कमीशन गया ही नहीं। कमीशन किस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेजर होता है जी अपना, लेजर में जाके मोहन डालोगे, मोहन के ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट में बोलने लग जाएगा 37.50 रुपये जो आपका कमीशन है अपने उसका। जब हमने मोहन को पैसे दिए तो सिर्फ एंट्री डली है, जब हमने मोहन को पैसे दिए तो हमने क्या करना है, ट्रांजेक्शन में जाके क्यूक पेमेंट कर देनी है। क्यूक पेमेंट का क्या मतलब है कि हमने मोहन को पैसे दे दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे हम मोहन सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, कितने पैसे देने हमने, 37 रुपये मोहन को देने हैं, एजेंट कोई नहीं सेलेक्ट करना है, सेव कर देंगे, ओके। देखिए अभी मोहन का लेजर हमारा जीरो हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मोहन सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करके ओके कर देंगे। देखिए 37 रुपये मोहन का कमीशन बना था, 37 रुपये हमने मोहन को पैसे दे दिए हैं और ये हमारा यहाँ पे 0.50 पैसे हो गया, नहीं हम 37.50 पैसे भी कमीशन दे सकते थे। ये प्रॉपर आपका यहाँ पे डिटेल देखना है, आपने डिटेल अकॉर्डिंग पूरा डिटेल आ जाएगा, क्या क्या चीज़ की डिटेल है, किस अकॉर्डिंग दिया था 25 रुपीज़ पर का उसको कमीशन दिया था। इस तरह ही हमारा एक आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ, जैसे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाके एजेंट वाइज करना है, एजेंट वाइज में जाके रोहन, जैसे रोहन ने दो प्रोडक्ट सेल किए थे, एंटर करके देखो ये 52 रुपये मतलब कि उसका हो गया जी पूरे सेल वैल्यू का, पर पीस का करना है, दो पीस सेल किए थे तो देखिए जी उसका 30 रुपीज़ होगा। सेम वैसे ही प्रोसेस है, मतलब कि सेल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर उठा लेगा। उसके बाद जैसे हमने कस्टमर को किसी को सेल किया था उससे हमने पैसा कलेक्ट करना है तो क्यूकर शिफ्ट में जाएंगे जी, क्यूकर शिफ्ट में जाके एंटर करेंगे, एंटर करके जैसे विनय नाम के कस्टमर को हमने दिया था, एंटर करके कितने पैसे लेने हैं जी, 150 रुपये लेने हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, वो हमसे पूछेगा कि कौन सा वाला, मतलब कि सामान तो किसी और ने दिया था पर पैसे कौन कलेक्ट करने गया, पैसे जी मोहन कलेक्ट करने गया, या रोहन कोई भी जा सकता है, पैसे रोहन कलेक्ट करने गया, एंटर करके जिसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे तो रोहन हमारे 150 रुपीज़ कलेक्ट करके लेके आया है। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम विनय का लेजर खोल के देख लेते हैं कि पैसे जो हमारे कलेक्ट हुए हैं वो प्रॉपर हमारी डिटेल आ गई है, ठीक है। देखो 158 रुपये का बिल था, 150 रुपये हमारे पास आ गए, 8 रुपये यहाँ पे उसके बच गए हैं। बिल पे डबल क्लिक करके देख लोगे तो आपको डिटेल आ जाएगी प्रॉपर। अभी हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके जी, यहाँ पे हमारा होता है जी अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स बुक में जाके हमारा रिसिप्ट रजिस्टर लगा हुआ है, रिसिप्ट रजिस्टर में जाके ओके कर देंगे। देखो एजेंट नाम के वाइज सर्चिंग लगी हुई है भी कौन सा एजेंट पैसे लेके आया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। देखो अभी रोहन लेके आया था, हम यहाँ पे मोहन का नाम डाल के ओके कर देंगे तो सॉफ्टवेयर ने ब्लैंक कर दिया, मोहन ही कुछ भी लेके आया। रोहन डालेंगे, देखो रोहन के नाम का दिखा देगा कि हाँ जी रोहन हमारा क्या क्या ट्रांजेक्शन लेके आया है प्रॉपर आपको। उसके बाद जी आपकी सेल की रिपोर्ट देखनी है आपने, सेल समरी में जाएंगे, आइटम वाइज सेल देखनी है आपने, आइटम वाइज सेल कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने एजेंट सेलेक्ट कर लेना, मोहन का देखना है, रोहन का देखना है, मोहन का देखना है जी। एंटर एंटर करके आपने एंटर एंटर करके ओके कर देना है। देखो आपको दिखा देगा कि 100 पे 1 क्वांटिटी मोहन ने सेल की है, रोहन के अकॉर्डिंग देखना है, रोहन के अकॉर्डिंग दिखा देगा, रोहन को करके यहाँ पे एंटर एंटर करके ओके करना है। देखो मोहन ने एक हमारा, रोहन ने एक ऑयल सेल किया है, एक सोप सेल किया। ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं जी। सेल समरी में जाके ये सारी रिपोर्ट जो है एजेंट वाइज लगी हुई है। बाकी बहुत ही बढ़िया एक नई रिपोर्ट लगा दी है, एजेंट वर्सेज आइटम सेल रिपोर्ट लगा दी है वर्टिकल टाइप। एंटर एंटर करके ओके कर दोगे, कौन से एजेंट ने कौन कौन सी आइटम सेल की है, वर्टिकल टाइप आपको आइटम की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है जी।
बाकी ये बहुत 10-12 रिपोर्ट हैं, एजेंट टाइप कोई मर्जी आप सेल्स खर्च कर सकते हो, आइटम वाइज, कस्टमर वाइज, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, ठीक है जी, ग्रुप बसी सेल वाइज, सभी में एजेंट लगा हुआ है। टोटली देखिए सभी में एजेंट है, सभी में एजेंट वाइज सर्चिंग वगैरह हो जाती है। इस तरह से हमारी परचेज रजिस्टर में, परचेज समरी में लगा हुआ है जी, एजेंट वाइज प्रॉपर, एजेंट वाइज आपने समरी चेक करनी है, परचेज की कस्टमर वाइज करनी है। देखिए टोटल आपका सारा ही एजेंट वाइज बहुत ही बढ़िया काम है, क्योंकि शिफ्ट एंड पेमेंट में लगा हुआ है, सेल परचेज में लगा हुआ है जी। आप सॉफ्टवेयर को चलाइए, चेक करिए, कुछ आपको इशू आता है, कोई परेशानी आती है सॉफ्टवेयर चलाने में, तो आप जरूर हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। सो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ, वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहुँच पाएँ।